नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ऑनेस्ट व्यंजन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए बनाते हैं मुंबई की फेमस डिश दही बड़े, जो कि शादी और त्योहारों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। दही बड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है ये 500 ग्राम उड़द का दाल। आप जितना आवश्यकता हो उतना ले सकते हैं। वैसे तो ये 2 से 3 घंटे में फूल जाता है, लेकिन मैंने इसको धोकर के रात भर फूलने के लिए डाल दिया था। तो ये देखिए, दाल हमारा अच्छे तरीके से फूल चुका है। तो अब हम इसको पानी से निकाल लेंगे और इसको मिक्सी के जार में डाल करके और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको पीस लेंगे। अब हम सारा दाल पीस करके तैयार कर चुके हैं। और ये मैंने लिया है अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने कूट लिया है छील करके, और काली मिर्च है, इसको भी मैंने कूट लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब मैं इसमें मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। अब इसको मैं इतना फेंट लूँगी जो हमारा बैटर है वो एकदम हल्का हो जाए, ताकि हमारा जो दही बड़ा है सॉफ्ट बने। और देखिए, मैंने इसको फेंट लिया है और मैंने लिया है ये कटोरी में पानी। इसमें मैं थोड़ा सा बैटर डालूँगी और हमारा बैटर तैरने लगा है, तो अब अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई और तेल डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल दूँगी बड़े और इसको मैं तल लूँगी। लाल होने तक इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो बड़ा है सुनहरा तल करके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। और मैंने बगल के गैस पर रखा है पानी गर्म होने के लिए। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं इस पानी में बड़े को डाल दूँगी और मैं 10 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा करके छोड़ दूंगी, ताकि हमारा जो बड़ा है वो सॉफ्ट हो जाए। और मैंने रखा है ये गैस पर तवा, इस पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच जीरा ले लिया है और 2 पिंच मैंने हींग लिया है। और इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूंगी। लाल होने तक इसको मैं भूनूंगी और इसको मैं पीस लूंगी। अब हमने लिया है एक बड़े बर्तन में 2 से 3 लीटर लस्सी, और मैंने लिया है ये जीरा भून करके पीस लिया है, और ये मिर्ची है, इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। और साथ में मैं डालूंगी इसमें स्वाद अनुसार नमक। मैं अपने घर में सेंधा नमक यूज करती हूँ, इसलिए मैंने सेंधा नमक डाला है। आप जो भी नमक यूज करते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो मैं सब डाल करके मिक्स कर ली हूँ अच्छे तरीके से। अब मैं बड़े को पानी से निकाल करके इसको धीरे धीरे प्रेस करके इसका सब पानी मैं निचोड़ दूंगी। अब हम इसी प्रकार से एक एक करके सभी बड़े को निचोड़ करके और लस्सी में डाल देंगे, और हमारा दही बड़ा तैयार हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा टेस्टी सा दही बड़ा बन करके तैयार हो चुका है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि ये टिप्स आपको कैसा लगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यकीन मानिए, इस तरीके से आप दही बड़े बनाएंगे तो बेहद ही टेस्टी बनेंगे। अगर आप दही बड़े की रेसिपी को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका 1 सब्सक्राइब और लाइक हमें 1000 गुना मोटिवेट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।